Hey, what's up guys, this is Rishi back with a new video. तो आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से उनका आइस 521 एमटी और देखते हैं इस बॉक्स में आपको क्या क्या कंटेंट्स मिल जाते हैं। इस प्राइस की सबसे ये कैबिनेट हमको कैसे लुक्स, कैसे बिल्ड क्वालिटी और कैसे फीचर्स ऑफर करना देता है। हमारे चैनल के ऊपर ऐसे ही टेक और पीसी रिलेटेड कंटेंट के बारे में ही बात करी जाती है। तो अगर आपको भी इंटरेस्ट है ऐसे ही टेक और पीसी रिलेटेड कंटेंट, तो क्या कर रहे हो, देरी किस बात की, जल्दी से दबाओ सब्सक्राइब वाले आइकन को, साथ ही में दबा लो उस बेल आइकन को ताकि मैं जो भी नया डालूंगा मिल जाएगा आपको उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन। सो गाइस, हियर इज द अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशंस ऑफ द एंटी स्पोर्ट्स आइस 521 एमटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले मैं ये वीडियो जो है वो तीन बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी जो है तीसरा बार है। दो बार जो है मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, ये सब बोल चुका हूँ, फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरा मेमोरी कार्ड जो है वो करप्ट हो चुका था, दो बार करप्ट हो चुका था मेरा मेमोरी कार्ड। अब मेमोरी कार्ड चेंज करके मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आशा करता हूँ कि ये करप्ट ना हो। मेरे साथ ही क्यों होता है, ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. दोस्तों, जैसे कि आपने देख लिया इसका ओरियो, अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं इस कैबिनेट की डिजाइन के बारे में। पहले जब आप इस कैबिनेट को देखोगे, आप एक ही चीज नोटिस करोगे, वो है इसका, पहली बार जब आप इस कैबिनेट को देखोगे आप एक ही चीज नोटिस करोगे, वो है पॉलीगन मेश डिजाइन। इसके सामने जो आपको पैनल देखने को मिलता है उसके ऊपर जो है आपको पॉलीगन मेश डिजाइन देखने को मिलता है, जो कि आपके कैबिनेट के लुक्स को बहुत ही तगड़ा बना देता है। ये देखने में जो है आपको बहुत ही तगड़ा लुक्स ऑफर करवा देता है। उसके ऊपर जो है आपको एक मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर देखने को मिलता है और उसके राइट साइड में जो है आपको एक टेम्पर्ड ग्लास देखने मिलता है। ये एक अच्छी चीज़ है, इस कैबिनेट में आपको टेम्पर्ड ग्लास देखने मिलता है और लेफ्ट साइड में जो है आपको केबल मैनेजमेंट का सिस्टम देखने को मिलता है। इस कैबिनेट में जो है आपको सेपरेट केबल मैनेजमेंट का सिस्टम देखने मिलता है, जो कि आपके पीसी में जो वायरिंग है वो हाइड करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। आपके पीसी का लुक्स को जो है ओवरऑल ये बहुत ही एनहांस कर देता है। इस कैबिनेट में जो आपको एडवांस एयर फ्लो सिस्टम देखने मिलता है, जो कि आपके जो पार्ट्स है उसको ठंडा रखने में हेल्प करता है। वैसे भी जो है दोस्तों, मैं इस कैबिनेट को यूज कर रहा हूँ। कल मेरा पीसी जो है MSI 400 एमए था, उस कैबिनेट से जो है मैंने इस कैबिनेट पे शिफ्ट किया है। मैं सारा कॉम्पोनेंट्स इसमें लगा के अभी यूज कर रहा हूँ। इसमें जो है डीप कूल का गैमेक्स L240 V2 भी लगा है, उसका भी मैं जल्दी अनबॉक्सिंग आपको लाने वाला हूँ। दोस्तों, कूलिंग तो तगड़ा ही होने वाला है, क्योंकि इस कैबिनेट पे जो आपको चार फैंस देखने मिलते हैं प्री इंस्टॉल। सामने की तरफ जो आपको तीन RGB फैंस देखने मिलते हैं, पीछे की तरफ जो है आपको एक नॉन RGB फैन देखने को मिलता है। अगर आप चार फैन से ही काम चलाना चाहते हो तो आप चला सकते हो, क्योंकि इन चार फैन से भी आपको बहुत ही तगड़ा एयर फ्लो देखने मिलता है। अगर आपको चार फैन इनफ नहीं है तो इसमें आप इस कैबिनेट में आप आठ फैन तक लगा सकते हो। मैंने जो है सात फैन इसमें इंक्लूड कर रहा था और एक फैन का जो वायर है मुझे में लगाने के लिए खाली नहीं था कोई भी पोर्ट। अगर इस कैबिनेट में और एक फैन का पोर्ट होता तो मैं एट फैंस को लगा कर यूज करता था, अभी जो है मैं सेवन फैंस को लगा कर यूज कर रहा हूँ। पीछे की तरफ जो है इसमें आपको नॉन RGB फैन देखने में मिलता है, इसीलिए मैंने एंटी स्पोर्ट्स का फैन लगा के यूज कर रहा हूँ। इसमें जो है आपको सेपरेट PSU श्राउड देखने में मिलता है, जो कि आपके पावर सप्लाई को हाइड करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। कुछ कैबिनेट में जो है पावर सप्लाई के ऊपर जो है कटआउट देखने में मिलता है, इस कैबिनेट में जो है पावर सप्लाई का कटआउट देखने में मिलता है। इस कैबिनेट में जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, केबल मैनेजमेंट जो है बहुत ही तगड़ा कर सकते हो। केबल मैनेजमेंट के लिए आपको सेपरेट सेक्शंस देखने मिलता है, जो कि आपके केबल्स को हाइड करने में हेल्प करते हैं। ओवरऑल दोस्तों, अभी मैंने सब कुछ इसके स्पेसिफिकेशंस और ओवरव्यू आपको दे दिया था। अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं इसकी पोर्शन बटन्स के बारे में। पहला बटन जो आपको देखने मिलता है वो पावर ऑन ऑफ स्विच है। उसके बाजू जो है आपको RGB कंट्रोल करने के लिए स्विच देखने मिलता है और उसके राइट हैंड साइड में आपको एक माइक्रोफोन का जैक देखने मिलता है। उसके बाद जो आपको एक हेडफोन का जैक देखने मिलता है। उसके बाद आपको तीन USB पोर्ट देखने मिलते हैं।
दो जो है USB 3.0 है और एक जो है USB 2.0 आपको देखने को मिलता है। दोस्तों जैसे कि मैंने बता दिया इस कैबिनेट के बारे में सब कुछ, अब हम बात करते हैं इसकी प्रोस एंड कॉन्स के बारे में। कुछ भी मैं भूल गया है तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि मैं तीसरी बार शूट कर रहा हूँ ये वीडियो जो है, बता दिया था आपको पहले ही। जल्दी से बात कर लेते हैं प्रोस एंड कॉन्स के बारे में। जो पहला प्रो जो इस कैबिनेट पे मुझे लगा वो है इसके USB पोर्ट, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे MSI Forge 100M में जो है उसमें जो है आपको USB पोर्ट जो है कुछ ऐसे दिखते हैं, और इस कैबिनेट में जो आप देख सकते हैं USB पोर्ट जो है वो, इस कैबिनेट में USB पोर्ट जो है आपको तीन देखने मिलते हैं। टोटल तीन USB पोर्ट जो है आपको स्ट्रेट देखने मिलते हैं, जो कि आपके तीन USB को यूज़ कर सकते हो। अगर आपके कैबिनेट में कुछ ऐसा है जैसे कि मैंने दिखाया था कुछ, फिर आप ओनली दो पोर्ट्स को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर आप एक बड़ा कार्ड रीडर इसके एक पोर्ट पे लगा दोगे तो दूसरा पोर्ट जो है वो हाइड हो जाएगा। एक बड़ा अच्छा प्रो लगा इस कैबिनेट के अंदर। बाकी प्रोस तो बहुत ज़्यादा ही है, अगर बताते हैं बैठूँ तो इस वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं अभी जल्दी से बात कर लेते हैं कॉन्स के बारे में। कॉन्स जो है आपको सामने की तरफ जो है आपको तीन RGB फैंस मिल जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये जो है फुल्ली RGB देखने को नहीं मिलते, ओनली जो है सर्किल पे RGB ग्लो करता है बस, फुल्ली RGB फैंस इस कैबिनेट में आपको देखने को नहीं मिलता है। ये चीज़ आप कंसिडर करके लेना इस कैबिनेट को अगर आप लेना चाहते हो तो। पीछे की तरफ जो है आपको नॉन RGB फैन देखने मिलता है, वो कम्प्लीटली फैन है क्योंकि 5,000 रुपये के प्राइस रेंज में रहते हुए इसके सामने आपको तीन RGB फैंस देखने को मिलते हैं। और आपको केबल मैनेजमेंट का सिस्टम देखने मिलता है, PSU श्राउड देखने मिलता है, केबल मैनेजमेंट के सेपरेट कंपार्टमेंट है, और इसमें आपको बहुत ही तगड़ा एयर फ्लो देखने को मिलता है। ये मैं ओवरऑल यही बोल सकता हूँ दोस्तों, 5,000 रुपये के अंदर ये एक बेहतरीन कैबिनेट है। अगर आपके पास 5,000 रुपये का बजट है तो आप इस कैबिनेट को आग बंद करके कंसिडर कर सकते हैं। पर एक चीज आप ध्यान में रखना कि सामने की तरफ आपको फुल्ली RGB फैंस देखने को नहीं मिलते हैं। दोस्तों सीरियल के लिए रखते हैं, अगर आपको ये वाली वीडियो लगी हो तो फटाफट से लाइक कर देना। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, और साथ में इस बेल आइकन को भी दबा लेना। अब से वीडियोस रेगुलर आएंगे दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो को मैं तीन बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर ये एक बार में हो जाता तो मैं तीन और दो वीडियोस एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर सकता था, पर मेरा किस्मत ऐसा है, समझ रहे हो। तो ठीक है, मिलते हैं इस तरह एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज जय हिंद। बस यार ये फाइल्स तो करेक्ट नहीं होना चाहिए। गुड बाय। इतनी खुशी मुझे। Yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done. I'll be number one, working hella hard until I get just what I want. Yeah, rises like the sun. Yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall. Yeah, always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah. I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah. You know me, I have only a path. I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah.